सी तू लगा गया मेरे अश्कों को भी रोना भया गया कि मैं सच कह रहा हूँ, हमने निकाह किया था। मिशु मिशु क्या है? कीड़ा कहाँ? यहाँ नहीं, वहाँ सामने देख। अगर मुझे पहले पता होता ना कि तुम इतनी अच्छी हो तो मैं तुम्हारे साथ कभी रूठ नहीं। सुन साया तेरे इश्क दिया खैरा आपको याद है ना, पहले मैं हर संडे आपसे किसी को मांगने आती थी, लेकिन जब आपने नहीं दिया तो मेरे भी मांगना छोड़ दिया। छोटी थी तो मम्मी पापा की मोहब्बत छीन ली, बड़ी हुई तो जोसेफ की। ऐसा लगता है कि आप तो मुझे मेरे लिए कुछ देना ही नहीं चाहते। ठीक है, आज मैं भी आपसे प्रॉमिस करती हूँ कि आपसे अपने लिए कभी कुछ नहीं मांगूंगी। लेकिन बाहर, वो जो जमाल खड़ा है ना, उसे उसकी मोहब्बत दिला दे, उसे उसकी हीर से मिला दे। गॉड I'm sorry, भाव। मैं जानता हूं अभी आप मेरे जाने से खुश नहीं हो, लेकिन मेरा जाना बहुत जरूरी है। नजर आ रहा है मुझे, लेकिन बच्चे एक बात याद रखना, जिस जरूरत के तहत तुम जा रहे हो ना, वो जरूरी काम जल्दी से करकर वापस आना, और जल्दी आना। जी भाई, क्योंकि आदमी अपना वक्त जाया करे ना किसी गैर जरूरी। हाँ इकबाल, वो फाइल क्यों नहीं आगे गई? अरे दो चार पैसे उसको लगाओ,
किसी हाल में फाइल आगे करो। अरे मेरा इतना नुकसान हो रहा है इकबाल, मेरी लेबर वहां बैठी हुई है, मेरा सीमेंट खराब हो रहा है, मेरा लोहा वहां जंगाला जा रहा है। अरे दो चार से खुश नहीं होता तो और दो भाई, किसी हाल में भी इकबाल आगे करो इसे, मैं नुकसान बर्दाश्त नहीं कर सकता हूं, बस फाइल आगे करो और जब हो जाएगा मुझे बता देना। यही मसला है हमारे, मजदूर से लेके ब्यूरोक्रेट तक सब कर, उसे पैसे ना लगाओ तो काम नहीं करता, दूसरे को डंडा ना दो तो काम नहीं करता। बच्चे पिछले 8 साल से इस काम में हूं, इन सबकी रग रग से वाकिफ हूं, सब ब्लैकमेल और कुछ नहीं, बस हाँ में हाँ मिलाओ और पीछे सारा काम दिखाओ। हेलो, हाँ बोलो। अरे आ जाएगा आ जाएगा आ जाएगा, अरे भाई तुम बेफिक्र रहो। और बाबा कह दिया ना हो जाएगा। ओके ओके खुदा। हमारे माशरे का मर्द भी ना बहुत बहुत फंसा हुआ मजबूर है, रिवायतों में फंसा हुआ जकड़ा हुआ बच्चा, शादी किसी और से करते हैं और आहे किसी और के लिए भर। लेकिन ये भी हकीकत है, जिनके लिए आहें भरते अगर उनसे शादी हो जाए तो कामयाब नहीं होती, इसीलिए शादी उस औरत से करनी चाहिए जो खानदानी। शौक पूरा करने वाली औरत शौक तो पूरा कर देगी लेकिन खानदानी रवायात और वकार के तकाजे पूरे नहीं कर सकती। मर्द को बस बैलेंस करना चाहिए, बाहर वाली बाहर और घर वाली चार दीवारी। दिल में आग है ये कैसी तू लगा गया, मेरे अश्कों को भी रोना अब है आ गया। दिल में आग है ये कैसी तू लगा गया, मेरे अश्कों को भी रोना अब है आ गया। दुनिया में क्या बाकी रहा, क्यों जाने ख्वाहिशें करे तू दिल लगी की। क्या हुआ, किसका मैसेज है? जी वो फ्लाइट डिले हो गई। अरे यार सारा शेड्यूल खराब कर दिया। क्या कह रहे हैं, अब कब है फ्लाइट? पता नहीं
स्केड्यूल के बारे में इन्फॉर्म नहीं किया। यार तुम्हें ड्रॉप करके मैंने एक जरूरी जगह जाना था। अच्छा चलो मैं तुम्हें घर छोड़ता हूँ, फिर वहां आगे चला जाऊंगा। घर? हाँ घर जाने की क्या जरूरत है, आप तो जानते हैं ना ये एयरलाइन वाले बस ऐसे ही होते हैं। अभी हम 3.5 घंटे की ड्राइव करके घर जाएंगे, फिर इनका मैसेज आ जाएगा कि 2 घंटे में फ्लाइट, फिर एयरपोर्ट कैसे पहुंचेंगे? एक काम करते हैं ना, आप मुझे यहाँ ड्रॉप कर दो। क्या तुम्हारा दिमाग ठीक है? सड़क पे ड्रॉप करूंगा तुम्हें मैं। यहाँ से मुराद यहाँ करीब में मेरा एक दोस्त है, उसके यहाँ ड्रॉप कर दे मुझे, इसी बहाने उससे मुलाकात भी हो जाएगी और वो एयरपोर्ट भी ड्रॉप कर देगा मुझे। तुम्हें कोई परेशानी तो नहीं होगी? ठीक हूँ, कोई मुश्किल नहीं। चलो ठीक है, कहाँ रहता है तुम्हारा दोस्त? जी तुम्हारा दोस्त जिसके यहाँ तुम्हें ड्रॉप करने कहाँ रहता है? वो यहाँ पीछे रहता है ना, आप गाड़ी यू टर्न करें मैं रास्ता बताऊं। ये घर है? जी भाव यही घर है मेरे दोस्त का। साहब का सामान उतारो। ठीक है भाव, अब आप जाओ। ना ख्याल रखना। और आप जी अस्सलाम। वालेकुम सलाम। ये खान साहब का घर है ना? जी जी ये खान साहब का घर है। हाँ यार ये इब्राहिम खान साहब इधर ही रहते हैं ना? नहीं जी ये वली खान साहब का घर है। अच्छा अच्छा, लगता है यार मैं किसी गलत एड्रेस पे आ गया हूँ। कोई बात नहीं, शुक्रिया। थैंक यू।
शमीर को अभी नहीं जाना चाहिए था, कुछ दिन और अपनी बीवी के साथ रहना चाहिए था उसे। हाँ जी, पढ़ाई सर पर सवार थी, बुखलाया हुआ था ना। चल, चार छह महीने की बात गुजर जाएंगे। वैसे भी औरत तो हर हालात में जीने की आदी है, सीख जाएगी, फिर भी सीख जाएगी। सीख जाने में और खुश रहने में बड़ा फर्क होता है। माजी, मेरी माने तो आप हीर को कुछ दिनों के लिए मैके भेज दें। मेरा मतलब है, वहां उसके माँ बाप है, सहेलियां हैं, उनके साथ आना जाना लगा रहेगा तो दिल बहल जाएगा उसका ना, यहाँ चार दिन में और उदास हो जाएगी। हीर जी, अम्मा जी, इधर आ, तुम बैठो यहाँ। जी अम्मा जी, हाँ इधर आ मेरे पास बैठ। जी अम्मा जी, देख बेटा, वैसे तो ये तेरा अपना ही घर है, तू सारी जिंदगी अब इसी घर में रहेगी, है? पर अभी तेरी नई नई शादी हुई है, फिर तेरा शौहर भी इधर नहीं है, तो अगर तू चाहे, है? तू कुछ दिन के लिए अपने माँ बाप के पास चली जा। लेकिन क्यों अम्मा जी? माँ बाप से, अपनी सखी सहेलियों से मिल आएगी ना, तो तेरा दिल अच्छा हो जाएगा। मेरा जी अभी भी बहुत अच्छा है अम्मा जी। मैं ठीक हूँ। लेकिन बेटा, तुम हो आओ चार दिनों के लिए मैके। चल मैं तेरे साथ चलू, इसी बहाने शहर की पतियां देखा। आपने जब भी जाना हो मैं आपके साथ चलू, लेकिन हम जिस दिन जाएंगे उसी दिन वापस आ जाएंगे। ये क्या बात हुई, लड़कियां तो मैके जाने के बहाने ढूंढती हैं और तुम हो के इनकार कर रही हो। चल जैसी तेरी मर्जी, जब भी तेरा जी चाहे ना, तू बिला झक मुझे कह देना और मैं तुझे खुद छोड़ कर आऊंगा। कहां जाने की बातें हो रही हैं? तेरे मैके, सच? देखा किस तरह उछली है मैके का नाम सुन के। है अभी अगली दफा जाएगी ना तो देखना, तू उसे ऐसे लगेगा जैसे यहाँ जेल से रिहा होके जा रही है। अम्मा जी आप भी ना, बस कैसर मुझे छोड़ते कहाँ हैं, अपने साथ लेके जाते हैं, साथ वापस ले आते हैं, तो अच्छा है ना, वरना तू तो एक साल के बाद भी वापस ना आए। अम्मा जी आपको भी ना मेरी अच्छाइयाँ नहीं नजर आती, भाई की शादी पे गई थी 15 दिनों में वापस नहीं आई थी। चल चल जी, मैं तो ऐसे मजाक कर रही थी, सच बताऊं ना, मुझे ये दोनों बहुएं जो है ना मेरी, ये अपने पोतों से ज्यादा प्यारी हैं। अल्लाह तुम दोनों को खुश रखे, सदा सुहागन रहो, सुखी रहो दोनों। अब मैं यहाँ आ ही गई हूँ तो तुम्हारे घर वालों से भी मिल लेती हूँ। मैंने आपसे वादा किया था ना कि अपने माजी की याद तो क्या, अगर खुद माजी मेरे सामने आकर खड़ा हो गया तो अपनी नजरें फेर लूंगी। सुन साया तेरे इश्क दिया खैरा मंगिया। श्रेयो, आप यहाँ को पे की नहीं आ रहा ना? नहीं भारी, really? मैं सोच भी नहीं सकता था कि तुम ऐसा भी कर सकती। क्या मतलब है तुम्हारा शाह? तुम्हें यहाँ आने की क्या जरूरत है? मैं वापस आ रहा था ना। ओह, तो इसका मतलब तुम्हें मेरे यहाँ आने की खुशी नहीं हुई, बुरा लगा है ना तुम्हें? देखो फारिया, तो तुम्हारे लिए इतनी दूर आई हूँ अपनी स्टडीज छोड़कर बिना सबको बताए, और तुम कह रहे हो कि तुम्हारे आने की जरूरत क्या थी। देखो शाह, मुझे तुम्हारी जरूरत थी, तुम्हारे लिए आई हूँ। तो ये देखो, ये रहा मेरा टिकट। जब तुमने मुझे मैसेज किया था मैं एयरपोर्ट के रास्ते में था, और सुबह मैंने तुम्हें व्हाट्सएप भी तो किया था ना, तब तक मैं फ्लाइट ले चुकी थी तब। और वैसे भी तुम तो मुझे रोज ही कह रहे थे ना कि मैं आ रहा हूँ आ रहा हूँ, रोस्टर खाए जा रहे थे, तो मैं कैसे यकीन कर लेती कि तुम वाकई आ गए हो। तो अब तो यकीन आ गया, देख लिया मेरा टिकट।
हाँ हाँ यकीन आ गया। गुड डॉक्टर, रिलैक्स करो, मैं नेक्स्ट राइड का बंदोबस्त करता हूँ। एक मिनट शाह, अभी टिकट मत बुक करवाना। अब मैं यहाँ आ ही गई हूँ तो तुम्हारे घर वालों से भी मिल लेती हूँ। क्या? क्यों? नहीं मिल सकती क्या? नहीं मिल सकती है, मगर यूं उस तरह अचानक? मेरा मतलब है मेरे घर वालों को पता ही नहीं है कि मैंने फ्लाइट मिस कर दी। उनसे झूठ बोला है मैंने कि फ्लाइट डिले हो गई। तो मैंने भी तो तुम्हारी खातिर कितने झूठ बोले हैं। वहां दोस्तों को बोला कि घर में इमरजेंसी हो गई, मेरे घर वालों को पता ही नहीं कि मैं यहाँ आई हुई हूँ। फारिया, तुम्हारी फैमिली और मेरी फैमिली में बहुत फर्क है। अपनी बात से पीछे हटने का रास्ता नहीं होता हमारे पास। मुंह से जो बात निकल जाए उस पे अटल रहना होता है। तो मेरी खातिर एक बार डांट खा लो। मैंने भी तो तुम्हारी वजह से पेरेंट्स को कब से स्ट्रेस आउट किया हूँ। सिर्फ तुम्हारे लिए इतना वक्त गेन कर रही हूँ, तुम मुझे अभी अपनी फैमिली से नहीं मिलवाना चाहते। देखो ऐसी बात नहीं है, दो चार महीने में हमारे एग्जाम्स खत्म हो जाएंगे तो फिर बात कर लेंगे। नहीं, मुझे अभी मिलना है तुम्हारे घर वालों से। देखो शराफत से ले चलो वरना मैं खुद चली जाऊंगी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। कैसी हो हीर? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? बस रात में एक अजीब सा ख्वाब देखा मैंने तो परेशान थी। कैसा ख्वाब? हीर तुम्हें अपना, अपने घर का, अपने रिश्तों का बहुत ख्याल रखना है। हमारी इज्जत अब भी तुमसे वाबस्ता है। तुम्हारी घर गृहस्थी आबाद रहने से ही हम खुश और मुतमईन रह सकेंगे। अम्मी, आपकी खुशी, इत्मीनान और इज्जत के लिए जो मैं नहीं कर सकती थी मैंने वो भी किया। अब आप ऐसे ख्वाब क्यों देख रही हैं? जानबूझ के नहीं देख रही हूँ हीर, मैं तो ख्वाब क्या, तुम्हारी शादीशुदा जिंदगी को लेकर अपने जहन में कोई बुरा ख्याल भी नहीं लाना चाहती, इसलिए तो सुबह से सबका खैरात करा रही हूँ। आप परेशान मत हो, मैं भी आप ही की सोसाइटी की एक बेटी हूँ। अगर अपनी जगह पर कायम रहने के लिए मैं अपने ख्वाब छोड़ सकती हूँ तो आपके ख्वाबों की ताबीर को भी गलत साबित कर सकती हूँ। अल्लाह करे ऐसा ही हो, क्योंकि तुम्हें वैसे भी अब अपने ससुराल में अकेला रहना। देखो जब तक शामीर पढ़ाई मुकम्मल करके वापस नहीं आ जाता हमेशा के लिए, तुम्हें बहुत ख्याल से रहना होगा। हीर, किसी भी हाल में, किसी भी हालत में अपने ख्यालों, सोचों और इरादों को कमजोर नहीं पड़ने देना। चाहे तन्हाई और अकेलेपन में तुम्हें किसी माजी की याद ही तुम्हें सता रही। मैंने आपसे वादा किया था ना कि अपने माजी की याद तो क्या, अगर खुद माजी मेरे सामने आकर खड़ा हो गया तो अपनी नजरें फेर लूंगी। मुझे अपना वादा याद है आपका। अल्लाह तुम्हें माजी के साए से भी महफूज रखे हीर।
भाई 15-20 मिनट बस यहाँ रुकेगी, जिसने खाना पीना खा ले। अच्छा नहीं कर रही मरिया, पर मेरी वजह से तुम किसी मुसीबत में फंस गई तो कभी खुद को माफ नहीं कर सका, इसलिए मेरी बात मानो और यहीं से वापस चले जाओ। और तुम क्या करोगे? जाहिर आगे जाऊंगा यहाँ से, और कहाँ जाऊंगा? और वहां जाके महिवाल की तरह अपनी सोनी के ससुरालियों की भैंसे पालूंगा, या असली राजे की तरह ही थी गली में सवाली बनकर दीदार के लिए सदाएं लगाऊंगा। मुझे वो सब करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जानता हूँ हीरोज कैद खाने से निकलने के लिए मेरा इंतजार कर रही हूँ। खुदा करे कि ऐसा ही हो, वो तुम्हारी राह देख रही हो ताकि तुम्हें अकेले वापस न लौटना पड़े। तुम्हें तो अकेले ही लौटना पड़ेगा। सुन साया तेरे इश्क दिया खरा मंगिया। फिर क्यों आगे जाना चाहते? तुम अभी औरत को नहीं जानते जमाल, इश्क और मोहब्बत के हर तनाजे को खूब निभाना चाहती है। जब एक बार ठान लेती है तो बदले में खसारे पर भी इसार से बाज नहीं आती। क्या सोच रहे हो शामिल? अपने घर वालों को बताओ ना कि हम आ रहे हैं। तुम बात को समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रही? अभी ये पॉसिबल नहीं है। तो कब होगा पॉसिबल? अभी मुझे कुछ नहीं पता, लेकिन मुझे पता है तुम्हारे घर का एड्रेस। अब नेक्स्ट फ्लाइट से वापस जा रहे हैं। मैं तो तुम्हारे घर वालों से मिले बगैर कहीं नहीं जा रही। क्या हो गया तुम्हें फारे? जिद क्यों कर रही हो? क्योंकि अब मैं अपने घर वालों को और होल्ड ऑन नहीं रख सकती। पापा अमेरिका शिफ्ट होने से पहले मेरी शादी करवाना चाहते हैं। देखो हमारे पास बस यही 2-3 महीने हैं, और अगर अभी भी तुमने मुझे अपनी फैमिली से नहीं मिलाया या फिर हमारे रिश्ते की बात आगे नहीं बढ़ाई तो मुझे पापा के साथ अमेरिका जाना पड़ेगा, क्या यही किसी से शादी करनी पड़ेगी? और ये सब बातें मुझे पापा ने कल ही बताई हैं, इसीलिए तो तुम्हारे वेट के बगैर मैं यहां चली आई। लेकिन फारिया, मैं तुम्हें अभी अपने घर लेके नहीं जा सकता। क्यों? क्या तुमने उन्हें हमारे रिश्ते के बारे में नहीं बताया? तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहते ना? बताओ शामिल, खामोश क्यों खड़े हो? तुम टाइम पास कर रहे थे ना मेरे साथ? नहीं फारिया, ऐसी बात नहीं। तो फिर कैसी बात है? देखो साफ साफ बात करो मुझसे। फारिया, मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता। I really love you. तो फिर मुझे अपनी फैमिली से मिलवाने में प्रॉब्लम क्या है? क्यों नहीं लेकर जा रहे मुझे अपने घर? क्योंकि वहां सिर्फ मेरी फैमिली नहीं है, मेरी मेरी बीवी भी है।
अम्मा जी की बीमारी का सिर्फ बहाना था। असल में उन्होंने मुझे शादी के लिए बुलाया था। आर्या, I'm sorry. देखो मैंने तुमसे ये बात छुपाई कि बचपन में ही मेरा रिश्ता हीर के साथ तय हो गया। हमारे कल्चर में इंसान अपनी जान से तो जा सकता पर अपनी जबान से नहीं। तो तुम इतने अरसे से मेरे साथ टाइम पास कर रहे थे? नहीं फारिया, मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता, बस तुम्हें खोने से डरता था, इसलिए अपनी जिंदगी का यह सच तुम्हें नहीं बताया। Don't make me fool you, liar! तुम मुझे इतने अरसे से धोखा दे रहे थे। नहीं फारिया, तुम मेरे इमोशंस के साथ खेलते रहे हो, वहां मुझे अपने साथ जिंदगी भर साथ रहने के काम दिखाते रहे हो, या आखिर किसी और से शादी कर ली तुमने। अरे घर वालों ने मुझे बहुत मजबूर कर दिया था। तुम्हारे मुंह से इतना नाम भी सुनना मुझे बुरा लग रहा है, नफरत हो रही है मुझे तुमसे। पर मैं सिर्फ तुमसे मोहब्बत करता हूँ, बहुत बहुत मोहब्बत करता हूँ। अगर तुम्हें मेरा यकीन नहीं आ रहा तो तुम हीर से पूछ लो, मैंने उसकी तरफ आज तक आंख उठा कर नहीं देखा। तुम झूठ बोल रहे हो शामिल, तुम अब भी मुझसे झूठ बोल रहे हो। मैं सच कह रहा हूँ फारिया, अम्मा जी और घर वालों के प्रेशर में मैंने आके हीर से शादी कर तो ली, लेकिन हीर को कभी दिल से बीवी नहीं मानी। इनफैक्ट तुम्हारे बारे में मैं उसको सब कुछ बता चुका हूँ। तुम्हें मेरा यकीन नहीं आ रहा तो रुको, मैं अभी तुम्हारी हीर से बात कर रहा हूँ। नहीं करनी मुझे किसी से भी बात। मैं भी सोच रही थी कि मेरा दिल क्यों घबरा रहा है, मुझे क्यों इतनी नेगेटिव वाइब्स आ रही हैं, मुझे क्या पता था कि यहाँ तुम प्लीज एक बार हीर से बात तो कर लो। यू चीटर, यू लायर। हेलो शामिर। हेलो। मेरे ख्याल से तो तुम्हें अभी प्लेन में होना चाहिए था, क्या हुआ तुम गए नहीं? क्योंकि तुमने मुझे धोखा दिया है। मेरी मोहब्बत का मजाक उड़ाया तुमने। तुम कहाँ हो? यही हूँ, और फारिया भी इधर ही। क्या? हाँ, वहां से मैंने झूठ बोला, फ्लाइट डिले होने का बहाना बनाया और शहरी रुक गया। आर्या शादी के बारे में सुन के बहुत अपसेट हो रही, लड़ रही है मुझे। प्लीज तुम ही इसको बताओ ना कि मेरी और तुम्हारी शादी किन हालात में हुई। समझाओ इसे कि मैं इसे कितनी मोहब्बत करता हूँ, कितना लॉयल हूँ इसके साथ। कौन सी फारी, एक बार हीर से बात तो करो, वो तुम्हें सब कुछ एक्सप्लेन कर देगी। हेलो फारिया, मैं हीर बात कर रही हूँ। हम दोनों सिर्फ नाम के मियां बीवी हैं, उसके अलावा मेरे और शामी के बीच में ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर फैमिली का प्रेशर ना होता तो ये शादी भी ना होती, लेकिन तुम नहीं जानती हमारी फैमिली को, यहाँ लड़का या लड़की से उनकी मर्जी नहीं पूछी जाती और ना ही उन दोनों को बात करने का मौका दिया जाता है, इसलिए इसमें शामी का कोई कसूर नहीं। अगर हो सके तो तुम उसकी मजबूरी को समझने की कोशिश करो। वो सिर्फ तुमसे मोहब्बत करता है और मुझे तुम दोनों के रिलेशनशिप से कोई ऑब्जेक्शन नहीं, और ना ही मैं कभी तुम दोनों के बीच आऊंगी, सिर्फ तुम्हारा है। सुन सोया ते
हीर जी अभी बेटा तुम्हारी शामिर से बात हुई? नहीं, मेरी उनसे बात नहीं, उन्होंने कहा था कि एयरपोर्ट पहुंचकर खुद ही कॉल कर देंगे। लेकिन वो तो एयरपोर्ट गया ही नहीं ना, जहाज लेट हो गया था, तो वो किसी दोस्त के घर गया हुआ है। आपको किसने बताया? कैसर का फोन आया था, बता रहा था कि शामिर को शहर छोड़कर वो कहीं चला गया है, तो तुम जरा फोन करके पूछो किस दोस्त के घर है और अगली फ्लाइट कब है उसकी। मैं पूछती हूँ। और हाँ, खाना लगा रही हूँ, बस जल्दी से फोन करके ना खाना खाने के लिए आ जाओ। तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूं, मैंने ये सब कुछ जानबूझ के नहीं किया, मजबूर था। तो जाओ, जाकर निभाओ अपनी मजबूर, मेरा तुम्हारा आज के बाद कोई वास्ता नहीं। ऐसे तो मत बोलो, मैं अभी सिर्फ तुम्हारा हूं। तुमने सुना नहीं हीर ने क्या कहा, मेरे और उसके दरमियान मियां बीवी जैसा कुछ नहीं है, वो मेरे लिए सिर्फ मेरी फैमिली की एक कमिटमेंट है और बस। इसको एक दफा और देख रहे हैं, ठीक है, और मुझे बताना जरूर। सुनिए अर्शद मसीह जी। हाँ जी, पर आप लोग? मैं देसी की फ्रेंड मरियम और ये मेरा दोस्त जमाल। हाँ, वो डेजी ने मुझे आपके मुतालिक बताया था कि आपको यहाँ रिहाइश के साथ साथ किसी के बारे में कुछ मालूमात भी चाहिए। जी, वो हमें कैसर खान के बारे में मालूमात चाहिए। आपके शहर के काफी बासर लोग में शुमार होते हैं, अगर आप हमें उनके बारे में कुछ भी बता दें तो हमारे लिए उनका पता ढूंढना आसान हो जाएगा। वो तो मिल ही जाएगा जी, पर सब ठीक तो है ना, मेरा मतलब कि आप तसल्ली रखिए, सब ठीक है। काम इतना नेक है कि आपको इसका हिस्सा बनने में खुशी महसूस होगी, क्योंकि ये समझो कि खुदा ने हमें किसी की मदद करने के लिए चुना। मैं डेजी का सगा चचा दास भाई हूँ, ये तो मैं जानता हूँ जी कि वो मेरे पास गलत लोगों को कभी नहीं भेजेगी, पर फिर भी जी मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, इस बात का जरूर ख्याल रखिएगा। आप डेजी के कजन हो तो समझिए बिल्कुल मेरे भाइयों की तरह, आपको कुछ भी नहीं होगा। आप फिक्र मत करें, आप पर आंच भी नहीं आएगी, बस हम चाहते हैं कि आप उनका पता हमें दे दीजिए। ठीक है जी, मैं पूरी कोशिश करता हूँ। शुक्रिया। इतना गुस्सा क्यों कर रही हो, हम बैठ के बात कर लेते हैं। तुम्हें आप हैं कौन? और मेरे साथ इस तरह जबरदस्ती क्यों कर रही हैं? सुन साया तेरे इश्क दिया खैरा। तुम मर्द भी कितने टैलेंटेड होते हो ना, किस रिश्ते के सामने कौन सा नकाब पहनना है, किस गेटअप में आना है, खूब जानते हो कहां अच्छा बेटा बनना है,
किसका मजलूम शौहर, किसका मजबूर और लाचार आशिक कहलाना, सब जानते। हम औरतें तो सिर्फ नाम की बदनामी, तितलियों की तरह सौ सौ रंग लिए फिरती हैं, पर क्रिकेट की तरह किस डाल पर बैठ के कौन सा रंग अपना लें, तुम लोग तो माहिर हो ना इसमें। फारिया, क्या गलत कह रही हूं मैं शामिर? किसी और के साथ कमिटेड होने के बावजूद तुमने मुझे एंगेज रखा, और अब किसी और के हाकिम होने के बाद मुझे भी अपनी हाकिमियत में लेना चाहते हो? पर ये पैंतरा तुम्हारी पुस्तली जाहिर कर रहे, मर्दानगी नहीं। तुम क्या समझते हो, तुम दो औरतों के साथ खेल रहे हो? ये दो औरतें तुम्हारे साथ खेल रही हैं, एक तुम्हें दान कर रही है और दूसरी तुम्हें तोल रही है। लेकिन अफसोस, तुम मेरे मायार, मेरे वजन पे पूरे नहीं उतर रहे, बहुत हल्के हो, वर्थलेस। मैं तो किसी का मोहब्बत में दिया हुआ तोहफा कबूल नहीं करती, पर तुम चाह रहे हो कि मैं भीख में दी हुई मोहब्बत कबूल करूं? शामिर, मैं तुम्हारी फितरत को अच्छे से समझ गई हूं, तुम्हारी कोई मजबूरी भी मुझे तुम्हारे साथ बंधे रहने पर मजबूर नहीं कर सकती। का काम हो गया। ये रहा कैसर खान की हवेली का एड्रेस। अस्सलामुअलैकुम भाभी। हमने तो सुना था जुदाई पड़ जाए तो लोगों को नींद नहीं आती, पर तुमने तो सुबह के 10 बजा दी। 10 बज गए वाकई? तो घबरा क्यों रही हो, मैं तो मजाक कर रही थी। नहीं, वो एक्चुअली मुझे इतनी देर तक सोने की आदत नहीं है ना, इसलिए। कुछ लोगों को ना उदासी में नींद ज्यादा आती है, पर चलो अब उठकर मुंह हाथ धो लो, तुम्हारी उदासी दूर होने वाली है। मतलब? तुमसे ना कोई मिलने आया। मुझसे मिलने आया? कौन? सोचो कौन आ सकता? अम्मी पापा, विशाल। तो फिर कौन आया? जी, हम साथ पढ़ते थे। अच्छा,
पर शादी पे फिर की दूसरी सहेलियों से तुम्हें मिली थी, तुम नजर क्यों नहीं आई? वो दरअसल उस वक्त मैं अपनी बड़ी बहन से मिलने गई भी थी, मुल्क से बाहर। बेटा कुछ लो तो सही, खाते खाते बात कर लेते हैं। सही। ये नहीं आई अभी तक? वो बस ये लो, आ गई आपकी सहेली। हीर, मैंने आपको पहचाना नहीं। तुम भी कमाल करती हो हीर, लड़कियां शादी के बाद बदल जाती हैं। मैंने सुना जरूर था, लेकिन इतना बदल जाती है तो मैं पहली दफा देख रही हूं। क्यों अम्मा जी, क्या घोल के मिलाया आपने अपनी बहू को? देखें, आप मुझसे इस तरह की बातें करके मुझे कंफ्यूज ना करें। मैं आपको कह चुकी हूं कि मैं आपको नहीं जानती। मैं तो जानती हूं, मैं तुम्हारी शादी में नहीं आ सकी, तुम इसलिए मुझसे नाराज हो ना। मैंने यही सोचा कि मैं तुम्हें यहाँ। नहीं, मैं आपसे नाराज क्यों होंगी? मैं आपको जानती ही नहीं हूँ। इतना गुस्सा क्यों कर रही हो? हम बैठ के बात कर लेते हैं। तुम्हें आप हैं कौन? और मेरे साथ इस तरह जबरदस्ती क्यों कर रही हैं? अम्मा जी, आप लोग ही मेरी सिफारिश कीजिए ना, इसे कहे ना कि मुझे माफ कर दो, अपना गुस्सा खत्म कर ले। अम्मा जी, ये कौन है और क्या कह रही है मुझे कुछ नहीं पता। ये ऐसा तो नहीं कहो, मेरा दिल टूट जाएगा। और ये तुम क्या कर रही हो? मैं पहली दफा तुम्हारे ससुराल आई हूँ और तुम मुझे इस तरह से बेइज्जत कर रही हो? अच्छा चलो, अगर तुम्हें मुझसे कोई गिला शिकवा करनी है ना, तो हम बाहर चल के। क्या हो गया है? खामखा गले नहीं पड़ो, पागल तो नहीं हो तुम? हाल करती हो तुम हीर, तुम तो मेरे मंगेतर जमाल। जमाल से भी ज्यादा जिद्दी हो। तो और क्या, ना किसी की सुनती हो ना मानती हो। मैंने कहा ना, मैं मजबूर थी हीर, इसलिए नहीं आ सकी। लेकिन अब तो मैं आ गई हूं, तुम मुझे माफ कर दो। अच्छा ये लो, मैं हाथ जोड़ती हूं, अब तो मुझे माफ कर दो। अच्छा ठीक है, तुम माफी मत मांगो, लेकिन आइंदा अगर तुमने कभी भी इस किस्म की कोई भी गलती की तो तुम अपनी एड़ियां रगड़ती रह जाओगी, लेकिन मैं तुम्हें माफी नहीं दूंगी। पक्का नहीं करूंगी, कभी भी नहीं करूंगी। शुक्रिया अम्मा जी, आप लोगों ने मेरी सिफारिश कर दी, वरना ये तो मुझसे ऐसी नाराज रहती, पता नहीं गुस्से में क्या करती मेरे साथ। अच्छा चलो, अब तुम्हारा गुस्सा खत्म हो गया है तो मुझे अपना घर तो दिखाओ, मैं देखूं तो मेरी दोस्त कहाँ शादी करके आई है। चले तौबा तौबा अम्मा जी, हीर इतनी जिद्दी है,
अगर ये कभी नाराज हो गई ना तो इसे मनाना बड़ा मुश्किल होएगा। से ले जाए यहां से। कैसे ले जाए? जिस तरह लेकर आई थी उसी तरह ले जाएगा। मैं उसे नहीं, भूल आया है मुझे। तो उससे कह रहे कि यहां से चले जाए। तुमसे मिले बगैर कहीं नहीं जाएगा हीर। उसे जीने का दूसरा मौका मिल ही गया है तो आप क्या चाहती हैं? वो भी छिन जाए उससे? अगर तुम उसे नहीं मिली तो वो वैसे ही मर जाएगा। किस तरह से उसे इधर आने से रोका है ये सिर्फ मैं जानती हूं। अगर किसी को पता लग गया ना इस बारे में तो वो उसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। जानती हूं मैं। फिर भी आप मुझसे कह रही हैं कि मैं उससे मिलूं? वो तो पागल है, लेकिन आप तो होश में हैं। आपकी आंखों से खुद देखने के बावजूद आप मुझसे कह रही हैं कि मैं इस घर से बाहर निकलूं और उससे मिलूं? मेरे लिए आसान नहीं है, नामुमकिन है ये मेरे लिए। क्या करूं? आने तू से यहां। आप समझ क्यों नहीं रही है मेरी बात? मैं यहां से नहीं निकल सकती। ये देखो, अगर मसला सिर्फ यहां से निकलने का है तो मैं वो सब भी सोचकर आई हूं। प्लीज फारिया, फारिया ऐसा मत कर। एक बार खुद को मेरी जगह रखकर तो सोचो। मैंने सोच लिया शामिर, इसके अलावा मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है। It won't work anymore now. I love you, damn it. मैं क्या करूंगा तुम्हारे बगैर? अपनी बीवी के साथ हैप्पी फैमिली बनाना और अपनी दादी को पड़ पोते पैदा करके देना और इस सोसाइटी के लिए ना एक अच्छे से पेट साबित। और तो? तुम क्या करोगी मेरे पास? मैं वही करूंगी जो तुम्हारे साथ रहकर नहीं कर सकी। अपने पेरेंट्स की बात मानूंगी। तुम लड़के होकर इतने फर्माबरदार हो सकते हो, बेटियां तो गूंधी वफा की मिट्टी से होती हैं। तुम्हारी मोहब्बत में गुमराह होकर जितनी गलतियां की हैं सब सुधारू। आर्या प्लीज, प्लीज मेरी बात तो सुन। आर्या, आर्या लिसन टू मी यार, आर्या नहीं, मैं हीर को जानने की इजाजत नहीं दे सकती। तुम यूं करो, अपनी सारी सहेलियों को यहां बुला लो ना।
हाँ बुला लो, इसी बहाने हम हीर की सहेलियों से भी मिल लेंगे। हाँ ये अच्छा है, मैं खाना बनवाती हूँ। आंटी जी मैं इतनी मुश्किलों से बहाने बनाकर यहाँ तक आई हूँ, सब लड़कियों को इजाजत मिलना तो नामुमकिन हो जाएगा। आप लोग प्लीज हीर को ही इजाजत दे देना मेरे साथ जाने की, फिर पता नहीं दोबारा जिंदगी में हम सब सहेलियों को इकट्ठा होने का मौका मिले ना मिले। भाई देखो ऐसा है कि हमारे घरों से बेटियां बहुएं बाहर अकेली नहीं जाती, इसलिए। अम्मा जी अकेले कहाँ जा रही है वो, मैं इसे अपने साथ लेकर जाऊंगी, बल्कि खुद छोड़ने भी आऊंगी इसे वापस। नहीं भाई फिर भी नहीं। प्लीज अम्मा जी सिर्फ एक दफा हीर की खुशी के खातिर। चल ठीक चली जा हीर, पर जुबैदा देख तू साथ जा इसके, ये अपनी सहेलियों से जब मिल ले ना तो साथ ले आई वापस, ठीक है? अच्छा अम्मा जी अब हीर तू जाके तैयार हो जा, मैं गाड़ी निकलवाती हूँ। रहने दीजिए। हैं अभी तो मिन्नतें कर रही थी तू। वो इसलिए अम्मा जी क्योंकि आंटी जी के सामने हीर अपनी सहेलियों से घुल मिल थोड़ी ना सकेगी, ऐसे ही गुमसुम खड़ी रहेगी आंटी जी के एहतराम में। पता नहीं सब सहेलियां क्या सोचें, आप लोगों की तो खानदान का इमेज ही उल्टा हो जाएगा। हो सकता है कि सब लड़कियां ये समझने लगे कि आप लोग अपनी बहू बेटियों को डरा धमका के रखते हैं। रहने दीजिए। अम्मा जी ऐसा करें ना कि कैसर से पूछ लें, अगर वो इजाजत देते हैं तो हीर को जाने दें। क्यों मैं मर गई हूं क्या है कि कैसर से पूछें इजाजत लेने के लिए? जा हीर जा सकती है तू, जाके तैयार हो, उतनी देर में कोई तोहफे वगैरह बनाती हूँ तेरी सहेली। क्या सच में आप हीर को मेरे साथ जाने की इजाजत देंगी? हाँ ले जा, लेकिन दोपहर तक वापस लाना है इसे यहाँ। आप बहुत अच्छी हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और आप दोनों का भी। जा भी, खड़ी खड़ी शक्ल क्या देख रही हीर? बेटा अच्छा सा तैयार होके जाना, शादी के बाद पहली बार मिलने जा रही हूँ अपनी सहेलियों से। सुबैदा वो मेरे संदूक में पड़े हैं ना कुछ थोड़े देने वाले, थोड़े से निकाल दे सेम क्या रहा है, तुझे पता नहीं मेरे संदूक किधर पड़ा। अच्छा अम्मा जी बच्चे किधर हो तुम? कब से फोन कर रहा हूं मैं तुम्हें। क्या बना फ्लाइट का? हेलो शमीर कुछ पूछ रहा हूं मैं तुमसे। जी भाव बस जा रहा हूं। फ्लाइट कंफर्म हो गई? जी हो गई।
अच्छा चलो ख्याल रखना अपना। जी सुनो पहुंच कर इतला कर देना। खुदा हाफिज। दुशलीर मैं आ गया हूँ। क्यों आए वापस? अब क्यों आए? तुम चले गए थे ना मेरी जिंदगी से, तो अब क्यों वापस आए हो? मैं लेने आया, मैं आजाद करवाने आया उसके हाथ से, जिसने मुझे पूरा जबरदस्ती तुम्हें धकेला गया। मुझे पता चला ही मैं
पल घंटों पे गुजार रहे। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ जमान। मैंने तुम्हें कहा था मुझे वापस नहीं लेकर जाओ, लेकिन तुम मुझे वापस लेकर गए और अब देखो देखो मैं कहां पहुंच गई हूं। कर तुम मुझे तीनों मंजिल पे पहुंचने के लिए सही रास्ते का इंतखाब करना चाहता था। जब ऐसा भी नहीं था कि तेरा मूड मुझे तुमसे इतना दूर कर देगा, वरना तुम्हारी मोहब्बत की कसम खत्म भी नहीं हो पाती। तुम्हारे इस एक कदम ने हमारे बीच बहुत फासला पैदा कर दिया। कि अब हम जिंदगी भर भी चलते रहेंगे तो एक मंजिल नहीं पा सकेंगे। क्यों नहीं पा सकेंगे? इस शहर से तो मेरा गांव और करीब हो गया, रास्ता भी समझ गया। मुकद्दर बिखर गई, रास्ते समझने का क्या फायदा जमा? तकदीर ने हमारे साथ जितना बुरा करना था ना कर दिया। हमारे बीच कोई नहीं आ सकता। तुम मर्द हो, अपना हौसला कई बार आजमा सकते हो, लेकिन एक औरत सर उठाने की जुर्रत सिर्फ एक मर्तबा करती है। जवान कैसी बातें कर रही है? ये तुम आम लड़की नहीं हो, आम लड़की नहीं हो जो इस तरह हिम्मत हार के बैठ जाए। कोई खास लड़की भी नहीं हूं जवान, मैं इसी सोसाइटी के रस्मों रिवाजों में जकड़ी हुई एक बेटी हूं जो अपनी हिम्मत का गला कटने से पहले सर तो पटक सकती है लेकिन दोबारा मुड़कर पीछे नहीं देख सकती। चमार, गला कट चुका है और मैं कुर्बान हो चुकी हूँ। तुम कुर्बानी का जानवर नहीं, बीवी हो मेरी, मेरे निकामे हो। भूल जाओ सब कुछ, प्लीज भूल जाओ। उस वक्त अगर मैं तुम्हारे साथ चली जाती, एक नई जिंदगी शुरू कर देती तो बात और थी, पर अब नहीं जा सकती। क्यों नहीं जा सकती? कानूनी और शरई तौर पे मेरी हो, किसी और के साथ किसी और के घर में कैसे रह सकती? क्या दिल बदल गया तुम्हारा? तुम मेरे निकाह में होते हुए किसी और की कैसे हो गई? किसी और की? जमाल, तकदीर ने जो मेरे साथ किया उसके बाद तो मैं अपनी भी नहीं रही, किसी और की क्या होंगी? चलो मेरे साथ। अरे दिल में दफन हसरत है, अपनी मोहब्बत पाके तुम्हें तुम्हारा अपना कर देगी। मैं अब कहीं नहीं जा सकती। फिर तुमने अपनी मर्जी से मुझे चुना था, अपनी मर्जी से खुद को मेरे नाम किया था, अपनी मर्जी से मेरा हाथ थामा था। और मैं तुम्हें अपनी किस्मत की मर्जी से कह रही हूँ कि तुम वापस चले जाओ। जमाल मान लो कि हमारी किस्मत में मोहब्बत नहीं है। अगर हमारी किस्मत में मोहब्बत नहीं होती ना तो मैं मौत के मुंह से निकल के आज तुम्हारे सामने इस तरह खड़ा नहीं होता। मगर अब शायद तुम्हारा मोहब्बत निभाने का इरादा नहीं है। यही समझ लो,
ऐसे समझने से क्या होगा ही? उसे मेरी मोहब्बत नहीं है, मेरी इज्जत, मेरी गैरत भी हूँ। मार दो मुझे, खोल दो मेरा गला। माँ बाप की इज्जत के लिए कुर्बान होकर मैं वैसे ही जिंदा लाश तो बन गई। तो मुझे इस जिंदगी से भी छुटकारा दिलवा दो। जुर्रत खत्म हो गई है मेरी जवान, लड़ने की, लड़ाने की, अपनी मोहब्बत, अपनी इज्जत का तमाशा बनाने की। किसी से लड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, पर आज भी नहीं आने दूंगा। जमाल मेरे पापा बूढ़े हो गए और अकेले भी, मेरी माँ मुझे कमजोर और बेबस नजर आ रही है। अगर मैं पहले तुम्हारे साथ चली जाती तो उन्हें सिर्फ चार लोगों से सच या झूठ बोलना पड़ता, उन्हें सारे जमाने के ताने सुनने पड़े। और बोलो, जिनके बेटे के साथ मैंने झूठे रिश्ते का मजार तुम्हारी और अपनी मोहब्बत को दफनाकर उसकी कब्र पे बनाया है, उन लोगों का क्या कसूर है? मेरा क्या कसूर है? मुझे किस जुर्म की सजा मिल रही है? जुर्म मोहब्बत की। हीर जवाल, अगर तुम चाहते हो कि ये सजाए मोहब्बत सजाए मौत ना बने, तो मुझे जाने दो। तुम्हारे बगैर कैसे जिंदा रहूंगा? मौत आनी है तो आज है, कम से कम अपनी गैरत के साथ मारो। लेकिन मैं तुम्हें जिंदा देखना चाहती हूँ जवान, उस मकाम पर देखना चाहती हूँ जिसके लिए तुम गांव से शहर आए थे। इसीलिए वापस चले जाओ और मुड़ कर कभी मत आना। मुझे छोड़ के मत जाओ। कैसे रहूंगा तुम्हारे बगैर? से मैं रहूंगी। दिल में आग है ये कैसी तू लगा गया, मेरे अश्कों को भी रोना अब है आ गया। दिल में आग है ये कैसी तू लगा गया, मेरे अश्कों को भी रोना अब है आ गया। दुनिया में क्या बाकी रहा, क्यों जाने ख्वाहिश करे तू दिल लगी की। सुन साया तेरे इश्क दिया खरा। जमाल, 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 ये बात सुनो, हम लोग एक बार बैठ के बात कर सकते हैं? तुम्हें अपनी जिंदगी के बारे में नहीं तो कम से कम हीर की जिंदगी के बारे में तो सोचो। तुम सोचो हम लोग उसके साथ क्या करेंगे। जमाल, जमाल, जमाल मत जाओ वहां, उसकी जिंदगी खराब करने मत जाओ। Thank you.
सुन साया तेरे इश्क दिया खैरा मंगिया। अगर वो कागज का टुकड़ा ना होता तो फिर मैं से मलकियत नहीं जताती। क्या समझा होता ना इसे छोड़ के नहीं आती। फिर अब तुम्हें एक्सेप्ट करना चाहता हूँ। शामिल का किसी और में इन्वॉल्व होकर डिस्टर्ब रहना तुम्हारे लिए मोहलत थी। मुझे अभी के अभी इसी वक्त मीरा और जमाल का ये रिश्ता खत्म करना है। फिर तुम्हारे लिए वापस आया हूँ। अगर मरियम को वो जगह भी दे दूँ तो मैं मोहब्बत नहीं दे सकता जो मैं शमीर से करती हूँ। मैं कैसे किसी शौहर को कह सकती हूँ कि मैं तुम्हारी नहीं किसी और की बीवी हूँ। मैं सोच भी नहीं सकता था कि तुम ऐसा करोगे।